नमस्कार दोस्तों दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, इस ड्यूरेशन में जो ये लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे इस पीरियड से पहले। वो उनमें से अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस लॉकडाउन की वजह से पूरे नहीं हो पाएंगे, राइट? यानी कि वहां कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा, एक पार्टी अनेबल होगी, किसी ने किसी को माल दे दिया होगा, पेमेंट नहीं आई होगी, तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आने वाले समय में, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम हटेगी, तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में आएंगे, जो एक स्टीप राइज लाएगा नंबर ऑफ केसेस में, विच वुड बी रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो क्या रेमेडी होती है, क्या कर सकते हो आप फिर अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आपके साथ। यानी आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा और वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, राइट? तो व्हेन वन ऑफ द पार्टीज मेक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द अदर पार्टी। सबसे पहला दोस्तों, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया इसके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, और मुझे इसके लिए अब आप मुआवजा दीजिए, एक तरह से कंपनसेट कीजिए मेरे लॉस को जो मुझे हुआ है बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, बिकॉज यू मेड अ ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? पहली रेमेडी तो आपके पास ये है। दूसरी है दोस्तों क्वांटम मेरूट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी से माल लेना है, आपने एडवांस में आधी पेमेंट कर दी, अब वो आदमी आपको माल भी नहीं दे रहा और उसके पास आपके आधे पैसे भी चले गए, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उससे वो अपने आधे पैसे रिकवर कर सकते हो, राइट? दूसरा होता है दोस्तों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आप लोग जानते ही हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो होती है जब आप किसी को बाउंड करें उसका प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, नाउ यू चेंज योर माइंड कि आपको नहीं बेचनी प्रॉपर्टी अपनी, राइट? लेकिन मैंने जब घर खरीदने के लिए आपको पैसा दिया, तो उस केस में मैं आपसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता हूं। क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करा सकता हूं? क्योंकि दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां डैमेजेस जो है वो एक प्रॉपर रेमेडी नहीं होते, खास तौर से ऐसे केसेस में जहां हम चीजों को ये कैलकुलेट ना कर सकें कि इस व्यक्ति को इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से कितना लॉस हुआ है, राइट? तो उस केस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जोर देते हैं, राइट? या इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब हम किसी को किसी काम को करने के लिए रोकें कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, राइट? तो ये तीन तरह की रेमेडी होती हैं। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम सेक्शन 73 डिस्कस कर रहे हैं इन दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच इज फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन क्या कहता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, यानी कि अब यहां देखिए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन मतलब कि ये आप रेमेडी तभी ले सकते हैं जब यहां कोई किसी ने ब्रीच कर दिया हो, यानी कोई एंटिसिपेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल टू रिसीव। यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करा, उससे दूसरी पार्टी जो है
वो एंटाइटल्ड है टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट अ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम देयर बाय, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से उसको जो लॉस हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करने वाली पार्टी से मुआवजा ले सकती है. विच एक्चुअली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, जो कि यूजुअली अगर वैसी ब्रीच हो तो उससे जो लॉस होगा वो उससे आप रिकवर कर सकते हो. और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी टेलर के पास गए, टेलर को आपने कहा कि मुझे एक सूट बना के दीजिए, ठीक है. अब टेलर वो आपको सूट नहीं बना के दे पाया, ठीक है. तो अब आपको वो सूट मान लीजिए चाहिए था अपनी शादी के लिए, यू वॉन्ट टू वेयर दैट सूट इन योर ओन मैरिज. तो इस केस में क्या होगा, जो आपको नुकसान हुआ है वो स्पेशल नुकसान हुआ है, राइट. तो इस केस में दोनों की नॉलेज जरूरी है. When they made contract to be likely to result, which party is new, right? यानी कि जब special loss हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, दोनों parties को पता होना चाहिए कि special loss हुआ है. और अगर दोनों parties को ये notice नहीं है, यानी एक party को तो पता है और दूसरी को नहीं पता, तो फिर आपको जो normal damages होते हैं वो मिलता है, right? What is given in usual course, right? और दूसरे अगर स्पेशल डैमेज चाहिए तो फिर स्पेशल उसमें आपको डालना पड़ेगा. व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हैज बीन इनकर्ड एंड हैज बीन नॉट बीन डिस्चार्ज, एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेलियर टू डिस्चार्ज इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट as if such person has contracts to discharge it and has broken the contract. यानी कि अब यहाँ ये कह रहा है कि quasi contract के लिए भी आप breach of contract का मुकदमा डाल सकते हैं. Explanation: In estimating the loss or damage arising from the breach of contract, the means which existed for remedying the inconvenience caused by non-performance of contract must be taken into account. यानी कि नॉन परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई वो भी आपको अकाउंट में लेना चाहिए, वो भी उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए. In estimating the loss or damages arising from such breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by non-performance the contract must be taken into account. Right. तो दोस्तों जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो समस्या होती है मेनली. इट इज टू बी डिटरमिंड वेदर द लॉस सफर्ड बाय प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस. अब ये यहां इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस यानी कि बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए डैमेजेस, ठीक है. अगर मतलब नुकसान जो है मेरे एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए. और प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट. मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, पहले इसे पूरा हम देख लेते हैं पॉइंट को, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. द पर्सन मेकिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइबल ओनली फॉर द प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंसेज, ही इज नॉट लाइबल फॉर डैमेजेस विच आर रिमोटली कनेक्टेड विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि कोई आदमी किसी प्रॉक्सिमेट लॉस के लिए कॉन्सिक्वेंस के लिए लाइबल होगा, नॉट फॉर बहुत रिमोटली. अगर आपको कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए कोई नॉर्मली लाइबल नहीं होगा. जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच आना है टीवी पे, ठीक है. मान लीजिए कि आज जैसे 30th of April है, मान लीजिए 5th May को आपको आना है टीवी, मतलब 5th May को मैच आना है. अब आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया कि आपको जो है टीवी 3 तारीख तक मिल जाए, आपने अमेजोन पे डाला और अमेजोन ने आपको डिलीवरी टाइम दिखाया 3rd of May,
आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अभी किसी कारण से अमेजोन आपको टीवी डिलीवर नहीं कर पाया 5 मई तक, ठीक है, अब आप अमेजोन पे केस कर सकते हैं कि आपको कोई स्पेशल चीज देखनी थी, उसका डैमेज हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई मैं तो गैम्बलर हूं, हालांकि गैम्बलिंग इटसेल्फ इज एन इलीगल एक्टिविटी, बट मैं फिर भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अब आप ये कहें कि मेरे तो गैम्बलर हूं, मुझे तो बॉल बाय बॉल मैच देखना था, आपने मुझे टीवी नहीं दिया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, है ना। सो ये एक रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, दिस इज अ रिमोट कॉन्सिक्वेंस। सो आपको उसके डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ मिलेंगे कि भाई आपका टीवी आपने लेना था और टीवी का आपको टाइम पे नहीं मिला, तो आपको कुछ डैमेजेस, आपको कुछ कंपनसेशन अमेजोन से गोट दिला देगा, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इफ इट इज फाउंड पर्टिकुलर डैमेजेस प्रॉक्सिमेट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रादर देन रिमोट, हाउ मच कंपनसेशन शुड बी पेड फॉर इट, कितना कंपनसेशन दें, ये कैसे पता चलेगा। अब इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो हेडली वर्सेस बैक्सनडेल के केस में कोर्ट ने दिया, राइट। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, बहुत पुराना केस है, पर इस रेमेडी, इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ये आज भी बहुत ही रेलिवेंट है। Where two parties have made a contract, ये मैं इसकी इस केस की सिर्फ ऑब्जर्वेशन पार्ट है, राइट। Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which other party ought to receive in respect of such breach of contract should be such breach of contract as may be fairly and reasonably considered, either arising naturally अकॉर्डिंग टू यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, यानी कि वही सेक्शन वाली बात, यानी कि जो नॉर्मली आता है। अब मान लीजिए आपको टीवी नहीं पहुंचाया अमेजोन ने, तो आपको 5-7 हज़ार रुपए का मुआवजा कोर्ट दिला देगी, 2-4 दिन बाद तो दे ही दिया ना उसने टीवी आपको, राइट। और सच मे बी रीजनेबली सपोज टू हैव बीन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहला पार्ट ये कहता है, ये जो यहां तक जो पार्ट है वो कहता है कि नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल कंपनसेशन मिलेगा, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं और स्पेशल मुआवजा चाहिए तो पहले तो दोनों पार्टीज को स्पेशल सिचुएशन का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने टेलर से कंपनसेशन लेना चाहते हैं कि भाई टेलर साहब आपने मुझे टाइम पे सूट नहीं दिया और मैं अपनी शादी में सूट नहीं पहन पाया, तो आपके टेलर को यह पता होना चाहिए कि आपको शादी के लिए सूट चाहिए, राइट, वो उसकी नॉलेज में होना चाहिए, अदरवाइज आप स्पेशल डैमेजेस कवर नहीं कर सकते, नहीं क्लेम कर सकते। इसी तरह से आप ये मान लीजिए कि आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं टू अटेंड अ मैरिज, और रास्ते में आपकी जिस बस में आप जा रहे हैं वो बस खराब हो गई। अब नॉर्मल केस में तो आपको जो बेनिफिट है, जो आपको जो डैमेजेस है वो नॉर्मली मिलेंगे, राइट, कि भाई आप नहीं पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या डैमेज क्लेम कर सकते हो, भाई नहीं पहुंचे तो आपको थोड़ा सा जो मेंटल हरासमेंट या जो जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए आपको मिल जाएगा, आपका टिकट रिफंड मिल जाएगा, जो आपने पैसा दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए दिया है वो रिफंड मिल जाएगा, कुछ और थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे मुआवजे में। लेकिन आप अगर दिल्ली से हरिद्वार कोई मैरिज अटेंड करने जा रहे थे अपने ब्रदर की, अपने किसी रिलेटिव की, तो वो जो जो आपको लॉस हुआ है वो ना तो आपकी ट्रेवल एजेंसी को पता कि आप भी शादी अटेंड करने जा रहे हैं, ना आपके ड्राइवर को पता, तो फिर उस केस में आप वो यू नो यू कैन नॉट क्लेम दैट स्पेशल डैमेज। तो स्पेशल डैमेज क्लेम करने के लिए आपको वो जो चीज़ है वो स्पेशली दोनों पार्टीज की नॉलेज में होनी चाहिए। यही हेडली वर्सेस बैक्सनडेल का प्रिंसिपल है, दैट इट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ बोथ दी पार्टीज़। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।